मामू क्या दे मामू है चोर मामू कितने है चोर मामू देखो कितने है कितने चोर मामू कितने चोर मामू अभी आ मामू मामू हे गाइस गुड मॉर्निंग तो आज है 23 फरवरी तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ थोड़े से घर के काम करने हैं तो अभी 9:10 हो रहे हैं तो जो चाचा जी का लास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो भी बनाना है तो नन्नू को साथ में लेके जाऊँगा तो उसके बाद बैंक जाना है फिर चलना है उसके बाद खेत तो अभी मम्मी ने बनाया हुआ खाना तो इधर दूध गर्म कर दिया मम्मी और आज बनी हुई है स्पेशल सेवियाँ जो हमने मशीन के साथ घर पे बनाई थी ना वो बनी हुई है आज मैगी जैसी मैगी मसाला डालूंगा इसमें तो अभी मैंने सेमी डाली हैं। हाँ ये मेरी सारी सेमी मेरी हैं क्योंकि कल कोई पूछ रहा था कि जो थाली में परोंठे बने हुए थे सारे पड़े हुए थे वो मेरे ही थे क्योंकि मैंने उनको एक ऐसे अकेले अकेले करके रख दिया था क्योंकि जब उस पर देसी घी डालते हैं ना तो नीचे चला जाता है तो ऐसे करने से वो नीचे नहीं आता फिर कल अकेले अकेले परोंठे पर फैल जाता है तो गाइस अभी मैंने पेपर वगैरह ले लिए हैं पहले चलते हैं नन्नू के घर बाइक करते हैं स्टार्ट तो अभी आ चुका हूँ मैं काम वगैरह करके तो मम्मी इधर वानिक से बात कर रहे हैं मटर छील रहे हैं और वानिक से बात हो रही है तो अभी हम चलते हैं खेत को क्योंकि स्प्रे वगैरह करनी है तो फटाफट से खेत चलते हैं अब जाके स्प्रे करते हैं घास वाली और इधर बात कर रहे हैं मम्मी अभी भी वानिक से तो अभी खेत में आके ठंडी ठंडी हवा चल रही है बारिश का मौसम हो चुका है मतलब रात भी थोड़ी बहुत लगी थी अभी मतलब बिल्कुल हल्की सी तो अभी मैंने पानी वगैरह छोड़ना है तो पेड़ ने हरियाली छोड़नी शुरू कर दी है हरे भरे खेत और हमारे यहाँ पे पंजाब में इस साइड जो मैं यहाँ पे मैं रहता हूँ कनक सबसे पहले लगाई हुई है मतलब एडवांस पे तो कनक को छिट्टा वगैरह आ चुका है मेरे को लगता है अप्रैल महीने से पहले ही कटाई वगैरह इसकी हो जाएगी तो अभी पापा रेडी लेके आ रहे हैं हमें उस साइड पापा जहाँ पे हैं उस साइड पाइप लेके जाना है ताकि पानी लगाएं तो अभी मैं खेत से एकदम से आ गया क्योंकि अभी मेहमान आने वाले हैं घर पे तो मतलब सौरभ भैया के सिस्टर और जीजा जी आने वाले हैं तो कुछ ही टाइम में पहुंचने वाले हैं तो अभी मैं मम्मी की हेल्प करवा रहा था और मार्केट से जो भी सामान था वो लेके आया हूँ तो अभी मम्मी की जो मम्मी नहाने गए हैं तो हेल्प करवा देता हूँ मैं तो मैं बात कर रहा था और दीदी आ गए हैं तो अभी खेत में आकर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ क्योंकि एक जगह पानी वहाँ से सप्लाई होता है और तीन जगह चलता है तो तीनों जगह भाग भाग के देखना पड़ता है क्योंकि पानी भरने से पहले थोड़ी देर पहले मतलब अगर पूरी कैरी है ना तो थोड़ा सा जैसे उसका 90% भर गया और उसको उठाना पड़ता है उसी टाइम क्योंकि उस 100% खुद पर खुद हो जाता है क्योंकि पानी खड़ना मतलब रुकना नहीं चाहिए एक जगह मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए और एकदम से सूख जाए तो मज़ा आता है इसको मतलब अगर पानी आप मतलब खड़ा कर दो एक जगह फिर नहीं इसको फल मतलब जो भी ये सब्जियां वगैरह हैं झेल नहीं पाती तो अभी मैंने 5 बज चुके हैं और लंच अभी किया है क्योंकि मैं लेट हो गया था खेत से तो अभी मैं जा रहा हूँ नन्नू के घर थोड़ा सा काम है उसके साथ उसने भिंडी वगैरह लगानी है तो उसको मैंने बीज वगैरह लेना था वो दे दिया है तो अभी उसके पास देखते हैं जाके तो ये चाचा जी का ट्रैक्टर है ये चाचा जी का स्कूटर है चाचा जी की इतनी हाइट थी कि ये साइकिल लगता था उनके जब चलाते थे ना ये छोटा सा लगता था उनका मतलब इतनी ज़्यादा हाइट थी 6.5 फुट से भी ऊपर चाचा जी की हाइट थी तो ये मेरा बाइक है सबसे पहले मेरा बाइक चाचा जी ने ड्राइव किया था क्योंकि मैं और चाचा जी गए थे दोनों लेने के लिए मेरा बाइक तो मैं चाचा जी को लेके गया था चाचा जी के पीछे बैठ के आया था तो ये भी बाइक बहुत छोटा लगता था क्योंकि चाचा जी की हेल्थ बहुत ज़्यादा थी तो ये मतलब हाइट के कारण ना ये छोटा सा ये भी छोटा सा लगता था बिल्कुल बच्चा था तो और इधर भिंडी लगा दी नन्नू ने आज चौकती कि नहीं सारी जगह नन्नू यार मेरे तो पैरों फस गई डोर लक्षू वाली इनका इकट्ठी कर तो हाँ इधर हमारा खेत है और देखो वो जल कुकड़ी मतलब कहते हैं उन्होंने पंजाबी वहाँ पे घूम रही है वो रही एक ये रही
बहुत पक्षी घूमते हैं हमारे इधर, क्योंकि साथ में हमारे यहाँ पे खेत के साथ नदी है जिसको हम सुवां नदी कहते हैं। मूली के ऊपर मूंगरे लग जाएंगे इसके ऊपर। अब उधर जा रहा है हेलीकॉप्टर। तो गाइस ये रहा इंजन हमारा जिससे हम नदी से में से पानी निकालते हैं। वो पक्षी वगैरह वक्त लोग कितने भाग रहे हैं। यहाँ पे नीचे पानी है, चलो फिर चलो चलिए आराम ना नीचे जा के देखते हैं। कम से कम पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चप्पल स्लिप होती है ना, मैं उतना कुतरे है वाह जितना गर्मी और पानी नहीं देखता। और यहाँ से हम पाइप लगा के पानी निकालते हैं। और यहाँ पे मतलब कछुआ वगैरह भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नदी में। यहाँ से दिख रही होगी नदी, इतना एरिया साफ है इधर, सारा ये हरा हरा घास हो चुका है। बहुत ही अच्छा सीनरी टाइप यहाँ पे दिखता है। तो अभी नीचे जा रहे हैं हम, यहाँ पे भी हमारी ज़मीन है नीचे, कभी हम नीचे आते नहीं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे थोड़ा। ये ज़मीन मतलब ठोक कर है वहाँ से बची हुई है, कुत्ते वगैरह सांप वगैरह घूम रहे हैं। इधर से चलते हैं इतने बांस लाना थी नड़े बढ़ गए। यहाँ पे सूर वगैरह घूमे हुए हैं बच्चे। यहाँ पे अंदर आ चुके हैं हम, जैसे चलते हैं। हाँ ये रहा साफ एरिया यहाँ पे। आगे पानी सर, ये रही ठोकर और पानी के ऊपर घास वगैरह है। ऐसे जड़ो है ठोकर पर, इधर है कुछ पता नहीं क्या है, ऐसे बूटे बड़े वे। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब बैठने के लिए सनसेट, बहुत ही अच्छा बैठने के लिए यहाँ पे एरिया है। और आगे देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो कितना अच्छा व्यू यहाँ का। असीनो कहने बन्ना बन लाया हुआ मतलब ठोकर पंजाबी कहते ठोकर। तो यहाँ पानी है यहाँ पे, तो मतलब सारा हरा हरा घास आ चुका है। तो वहाँ पे इस एरिया पे मतलब पक्षी वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं अभी भी, या मच्छी पकड़ते हैं। हाँ यहाँ पे लोग मच्छी भी पकड़ते हैं मतलब जो बिहार साइड से आते हैं, हम तो नहीं। तो वहाँ तक आगे तक नदी जाती है ये मच्छी, वो बहुत बड़ी है। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे मतलब बुजुर्गों ने रखे हुए हैं। बन लगाया हुआ है जो बहुत पुराने समय से लगाया हुआ है। चलो अब चलते हैं नीचे घर के ओर। ये सारा जंगल है एक तरह का। तो ननु अभी इधर बना रहा आड़, इधर लगा दी है भिंडी। तो धनिया थला ननु तो थोड़ा सा आगे लास्ट वाली बननी है जो, वहाँ पे धनिया वगैरह लगा दिया है। तो ये कनक है, इसके बाद हम ये आपको पता होगा क्या है सौंफ, ये भी साग वगैरह में पड़ती है जो डालते हैं, बट हमें तो अच्छी नहीं लगती क्योंकि खुशबू आती है साग में से। ये हमारा लहसुन, लहसुन के बीच शलगम लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे घर पे मतलब लगभग अपने घर की सब्जी हो जाती है, जैसे लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें, मतलब हल्दी भी लग जाती है बट अब ये हमारे यहाँ पे लगानी बंद कर दी है। तो अभी प्याज तो लगा दिए हैं इधर, ये सारे प्याज लगा दिए हैं। तो ननू सोच रहा है कि यहाँ से लेके ना वो एंड तक आड़ बना देगा ये, मैं तो अभी खेत जा रहा हूँ तो ये लगा रहेगा यहाँ पे, वहाँ तक वो पानी यहाँ से सीधा ऐसे करके यहाँ से, क्योंकि सारा पानी वो हमारी नदी से ही आता है। यहाँ पे बोर वगैरह नहीं कराया हुआ हमने, तो इसको पानी देना आई थिंक। ननू कहाँ देना पानी, कल मॉर्निंग अगर बारिश नहीं पड़ती है ना तो पानी दे देंगे। तो अभी मैं चलता हूँ खेत, फिर आके मिलता हूँ उसको शाम को, क्योंकि अभी जो पानी वगैरह दिया है देखता हूँ काम वगैरह जो भी है खेत में वो करना पड़ेगा भैया। तो बाबा इधर हल कर रहे हैं। तो इधर बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है, अब यहाँ पे देखने वाले आता है शाम को। तो अभी इधर हल चल रहा है, ये है मुर्गी की मैल। तो बाबा इसको, बाबा आज सर्दी नहा रही है फिर हैं, ऐसे इसको मतलब पहले बेड के ऊपर इसको मतलब फेंक दिया है हल के साथ, अभी ये नीचे चले जाएगी मिक्स हो जाएगी मतलब मिट्टी के साथ।